नमस्कार, योगित विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। ये जो सोच है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो ये जो हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद करेगा, और रोज़ योग करने से जो है आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की वो बढ़ेगी, और आप जो है हेल्दी जो है लाइफ जी पाएंगे और फिट रह पाएंगे अपनी लाइफ में। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो विपरीत करनी आसन के बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे करते हैं और इसके करने के क्या क्या लाभ हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी रेगुलर हेल्थ अपडेट्स हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं वो जो है आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए जो आपको एक मैट लगा लीजिएगा, एक पिलो रख लीजिएगा, हल्का सा पिलो, दो ब्लॉक रख सकते हैं। वो ब्लॉक लकड़ी का भी हो सकता है और वो ब्लॉक फोम का भी हो सकता है। आप चाहे तो मसलन रख लें, मोटा मसलन, तो आपको ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे आपको कमर के नीचे लगा के जो है करना है। दीवार सामने रखिए, क्योंकि दीवार के सहारे भी आप इसे कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको बगैर दीवार के करने में दिक्कत आती है तो। पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिएगा, वार्म अप में शोल्डर रोटेशन कर लेंगे और शोल्डर ट्विस्टिंग कर लेंगे आगे पीछे, और जो है पर्वत आसन में आके अधोमुखो शवासन में थोड़ा सा अपने एंकल को आप डाउन पीछे के साथ कर लेंगे, हाथों को कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए, एक तो आप सिंपल तरीके से पूरे तरीके से कैसे कर सकते हैं और ऐसे कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से देख लीजिए आप। पहले जो मैं बताऊंगा कि इसको कर कैसे सकते हैं, एक आसान वर्जन, फिर जो इसको करते कहते हैं वो वर्जन। तो आप पिलो को थोड़ा साइड रख सकते हैं, दोनों पाँव को आपको ऐसे रखना है, आप पिलो को इस तरफ रख दीजिए, दोनों पाँव को आपको जो है सीधा रख लेना है, ऐसे लेट जाना है आराम से मैट पर लेट गए, पहले एक पाँव को उठाइए फिर दूसरे पाँव को उठाइए। अगर आपकी पाँव यहाँ तक आ रही है तो इसी में जो है पहले आप आराम से इस तरीके से रहिए, दोनों हाथ मैट पर रख दीजिए, आराम से सांसें लेते रहिए और सांसें छोड़ते रहिए। इसी पोजीशन में जो है आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है और फिर वापस आ जाएंगे। अगर आप इस पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हल्का सा जो इसमें आपको दोनों को घुटने को सीधा रखना है, हल्का सा पुश करना है, दोनों हाथों को यहाँ पर रखना है, कंफर्टेबल बना लें, थोड़ा सा सीधा कर लें। अब जो है अपने पंजों को, अपने नाखूनों को देखना है। इस पोजीशन में जो है आप आराम से 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं, आप लंबा ड्यूरेशन में भी इसमें रह सकते हैं 1 से 3 मिनट तक। आराम से सांसें लेनी है आपको और सांसें जो है छोड़नी है। जब 1 मिनट हो जाए तो धीरे से जो हाथ डाउन करें और फिर पैरों को सीधा कर लें। 1 मिनट करने के बाद दोनों हाथों को अपने साइड में रख लें और दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें। इस तरीके से आपको 1 मिनट के लिए ही रिलैक्स करना है और फिर जो है फिर से वापस आ जाना है। इस तरीके से जो है आपको 3 सेट मिनिमम जो है आपको करना है। 1 मिनट करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे 1 मिनट, फिर 1 मिनट, उस तरीके से। अब इसको सपोर्ट में कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास ब्लॉक है, मैंने दोनों ब्लॉक को यहाँ पर रख दिया। फोम का ब्लॉक है तो अच्छा है, लेकिन लकड़ी का ब्लॉक है तो गड़ेगा, और अगर आपके पास मोटा तकिया है काफ़ी, अगर मसलन है तो और अच्छा है, क्योंकि इस पर आप आएंगे तो ये आपको पैर ऊपर करने में जो है काफ़ी मदद करेगा। अब जो है अपने कमर को जो है आपको ब्लॉक या पिलो के ऊपर रखना है, इतना ऊपर रखें। अब जो आराम से जो है थोड़ा सा ब्लॉक को एडजस्ट कर अपने कमर के नीचे, जिससे कंफर्टेबल हो, और पैर को इस तरह लेते हैं, सेम पोजीशन में आ गई बॉडी ब्लॉक और पिलो के वजह से, पैर को सीधा कर लें और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। वहाँ क्या था, जब आप बगैर सपोर्ट के करते हैं तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, इसमें आपका एफर्ट नहीं लगता है। दोनों पाँव को सीधा सामने और जो है आँखों अंगूठों पे। अब इसमें आराम से आप 3 मिनट तक रहिए, आराम से सांसें लीजिए, आराम से सांसों को छोड़िए।
कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा आपको। इस मसलन पे भी रख के कर सकते हैं, ब्लॉक पे पिलो रख के कर सकते हैं, आसानी होगी, इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 से 3 मिनट तक आराम से सांसें लेंगे, फिर धीरे से पहले पाँव को नीचे लेते आएंगे, हल्का से ब्लॉक को साइड करेंगे, फिर जितनी देर आप रहे हैं उतनी देर आपको रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। पीछे लाएं और फिर रिलैक्स कर लें आराम से, आँखों को बंद कर लें, ब्रीद इन और ब्रीद आउट और फिर वापस आ जाएं। लेफ्ट टर्न ले लें, फिर टर्न लेके हमेशा उठें, जिससे कि जो है बैक पे आपके झटका नहीं लगे और आराम से जो है आप इसको कर सकें। तो ये था विपरीत करनी आसन, जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको कर सकते हैं सपोर्ट और बगैर सपोर्ट के। इसको अपनी जो है एक्सरसाइज योगा रूटीन में रोज जोड़ें और जो है हेल्दी और फिट लाइफ जीते रहें। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे करें और जो हेल्थ बेनिफिट उठा पाए। नमस्कार।